झज्जर के गांव खेड़ी यासरा में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। गांव में एक माँ और उसकी शादीशुदा बेटी की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं इस पूरे मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में लगी हुई है। पुलिस का कहना है कि दोनों शवों के पास से एक छोटा बच्चा जिंदा मिला है। एकदम से खबर मिली थी कि खेड़ी यासरा गाँव में घर के अंदर एक माँ बेटी का मर्डर हो गया है। जो मौके पर पहुंची, मौके पर पहुंचने पर बोला कि माँ एक लड़की दीक्षा और उसकी माँ मीना, जिस मीना की उम्र करीब 55 साल के करीब थी और उस दीक्षा की उम्र करीब 25 साल की थी, तो उसको गोली लगने से उनकी मौत हो रखी थी। जिनको रात को यहाँ पिकनिक्स में बहादुरगढ़ जी एच में रखवा दिया था, जिनका पोस्टमार्टम चल गया है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल नो क्लू है ये मर्डर, जैसे तफ्तीश आगे चलेगी, जैसे तथ्य सामने आएंगे सुरक्षित कार्रवाई। बताया जा रहा है कि घर में महिला के साथ उसकी शादीशुदा बेटी अपने 1 साल के बच्चे के साथ रह रही थी। मृतका का एक बेटा भी है जो बड़ी बहन के घर गया था। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि हत्या किसने की और उसके पीछे का कारण क्या है। R9 TV के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।